वाटर कैनन से पानी की बौछारें, पुलिस से झड़प, पुलिस बैरिकेडिंग को पार करते बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता। ये तस्वीरें हैं प्रदेश की राजधानी जयपुर की, जहां बीजेपी की ओर से गहलोत सरकार को घेरने के लिए बड़ा प्रदर्शन किया गया। दरअसल आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी गहलोत सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, मगर गहलोत सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने निकली बीजेपी के इस प्रदर्शन को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात को लेकर होने लगी कि आखिर प्रदेश की दो बार मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया इस प्रदर्शन से क्यों नदारद रहे। आपको बता दें, वसुंधरा राजे को केंद्रीय नेतृत्व ने झारखंड में लोकसभा सीटें जिताने की जिम्मेदारी दी है। मोदी सरकार के कार्यकाल के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 3 मई से 30 जून तक महासंपर्क अभियान चलेगा, जिसको लेकर झारखंड की कमान वसुंधरा राजे को दी गई है, जिसे लेकर फिलहाल वसुंधरा राजे 3 दिवसीय दौरे पर झारखंड में है। तो वहीं सतीश पूनिया यूपी के संभल और मैनपुरी लोकसभा में जनसभा के जरिए मोदी सरकार के प्रचार प्रसार में लगे हैं। अब चुनावी साल में प्रदेश के दो बड़े चेहरों को यूं प्रदेश की सियासत से दूर रहने की क्या वजह मानी जाए, इसे लेकर भी सियासी घमासान मचा है। प्रदेश में कांग्रेस हो या बीजेपी, नेताओं की आपसी कलह किसी से छुपी नहीं है। गहलोत वर्सेस पायलट वाली अदावत के साथ ही बीजेपी में भी एक दौर में सतीश पूनिया और वसुंधरा राजे को लेकर यही कहा जाता था, मगर मार्च महीने में बीजेपी ने सतीश पूनिया को अध्यक्ष पद से हटाते हुए सांसद सीपी जोशी को नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। कहा गया सतीश पूनिया का कार्यकाल खत्म होने के चलते ही ये फैसला लिया गया, मगर चुनाव से पहले इस तरह प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से सतीश पूनिया को हटाए जाने से राजनीतिक गलियारों में इसे राजे वर्सेस पूनिया की अदावत से जोड़कर देखा जाने लगा। इसकी वजह बताई जाती है जाट महाकुंभ में सतीश पूनिया का दावा ठोकना कि सरकार में जाट समुदाय को भागीदारी मिले। आयोजक गण कह रहे थे कि नीचे उतरे जाट का काम तो ऊपर चढ़ने का, नीचे उतरने तो किसी और का ही है, लेकिन मुझे ये पता लगा कि हेलीकॉप्टर उड़ाने वाला भी कोई जाट ही है, क्योंकि हेलीकॉप्टर वाला जाट नहीं होता तो ये तंबू ऐसे नहीं हिलते। उसको काम तो दिया था फूल बरसाने का, यहाँ टेंट हिला के ही चला गया, ये काम जाट ही कर सकता है। सतीश पूनिया साल 2019 में प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने थे। पूनिया ने कई मौकों पर गहलोत सरकार के खिलाफ न केवल शब्द बाण बल्कि सड़कों पर लाठियां तक खाई हैं। तो वहीं वसुंधरा राजे प्रदेश की दो बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। राजस्थान की पहली मुख्यमंत्री बनने के गौरव के साथ ही दूसरी बार भी महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव उन्हीं के पास है। कहा जाता है 2003 हो चाहे 2013, राजे की यात्राओं के दम पर ही बीजेपी ने गहलोत सरकार को कड़ी टक्कर दी थी।